वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुर्गा बाजार पर छापा, दो मुर्गों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार। जुआ खेलने से रोका तो कर दी पिटाई। मौदा की बस्तियों में घुसा पानी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। उमरेड़ शहर के इतवारी सब्जी मंडी समीप नाले के पास चल रहे मुर्गा बाजार पर उमरेड़ पुलिस ने मंगलवार की दोपहर को छापामार कार्रवाई कर तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर लड़ाई के दो मुर्गे भी जब्त कर लिए। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार उमरेड़ के इतवारी सार्वजनिक सब्जी मंडी के समीप नाले के पास मंगलवार की दोपहर को मुर्गा बाजार चलाने की जानकारी उमरेड़ पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के समय लोग मुर्गों पर पैसे लगाकर हार जीत का जुआ खेल रहे थे, लेकिन पुलिस को देख कुछ लोग भागने में सफल रहे। पुलिस ने उमरेड़ शहर के कावरापेट पावन धाम समीप रहने वाले दिनेश केवलराम बालबुदे तथा उमरेड़ शहर के बुधवारी पेट निवासी नीलेश चिंतामन शिवरकर और उमरेड़ बेकोली कॉलोनी निवासी मधुकर बापूराव जुनघरे को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी खबर, घर और दुकान के सामने जुआ खेलने से रोकने पर चार युवकों ने एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने शांतिनगर वार्ड ईसासनी निवासी शैलेंद्र कोमल कनोजिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में बस्ती में रहने वाले मुकुंद रावतेल और उसके तीन साथियों का समावेश है। मंगलवार की दोपहर 12 बजे के दौरान शैलेश अपने घर के बरामदे पर कपड़े इस्त्री कर रहा था। इसी दौरान मुकुंद और उसके साथी वहां पहुंचे। कुछ ही समय में चारों ने वहां जुआ खेलना शुरू कर दिया। शैलेंद्र ने आपत्ति जताई तो आरोपी गाली गलौज करने लगे और हाथापाई पर उतर आए। शैलेंद्र अपने घर के भीतर चला गया। आरोपियों ने जबरन घर का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश किया और उसके साथ जमकर मारपीट की। एक युवक ने डंडे से सिर पर वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। शांतिनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। तीसरी खबर, मोदा तहसील के गेट ग्राम पंचायत पिपलगांव अंतर्गत आने वाले गांव मुरमाड़ी की दलित बस्ती में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इस बारिश का पानी खेतों से होते हुए बस्ती में अक्सर घुस जाता है, जिसकी वजह से यहां के निवासियों को भारी नुकसान और परेशानी होती है। रविवार और सोमवार से हो रही लगातार बारिश से पानी इस बस्ती में घुसकर लोगों के घरों में पानी भर जाने से एक बार फिर यह समस्या निर्माण हो गई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।